आज के ज़माने में म्यूज़िक एल्बम्स इतने बनते नहीं हैं लेकिन उसमें आ, इनका छठा एल्बम आ रहा है तो इसका मतलब ज़रूर इनके एल्बम्स का एक बहुत एक फिक्स और बहुत कमाल का मार्केट है एंड टी सीरीज आ, फिर से एक बार इसको रिलीज़ कर रहा है एंड वी जैस बी अप्रिशिएट बाई पीपल ये एल्बम जो मेरा छठा एल्बम है ये पिछले पाँच एल्बम से एकदम अलग है और इसके एक अलग फ्लेवर है और दिल के बहुत करीब है हमारे क्योंकि जिस सिचुएशन में ये एल्बम रिकॉर्ड हुई थी वो कुछ अलग ही थी क्योंकि सोनू जी की मम्मी मतलब मेरी वाइफ का डेथ डेथ हो गई थी तो उसके बाद हम एक डेढ़ साल बहुत ज़्यादा दुखी रहे तो फिर सावन जी आए मेरे पास कि कुछ करना है तो जब इन्होंने गाने सुनाए तो वो दिल के बहुत करीब लगे जिस सिचुएशन पे हम गुजर रहे थे तो फिर इस हिसाब से ये एल्बम हमने तैयार करी अगम जी का जो एल्बम आ रहा है वो इसलिए एल्बम आ रहा है बिकॉज इनके इनके जो uh, क्या बोलते खपत एल्बम की जो सुनने वाले हैं जो वो बड़ा uh, है क्योंकि हमें हम तो एक म्यूज़िक से परिचित हैं जो कि हम लोग मेन स्ट्रीम जिसे कहते हैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ इंडिया लिसन्स टू द द करंट बॉलीवुड जो हम बोलते हैं एटी परसेंट ऑफ इंडिया स्टिल कनेक्ट्स टू द ओल्डर सॉन्ग्स स्टिल कनेक्ट्स टू म्यूज़िक जहाँ पे आदमी अपने म्यूज़िक में लाइव ढोलक सुन पा रहा है लाइव तबला सुन पा रहा है लाइव गिटार्स लाइव सरोज सितार सुन पा रहा है उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि वन टू वन कनेक्ट हो पा रहा है हर इंसान ने ज़िंदगी में प्यार किया होता है हर इंसान ने ज़िंदगी में कभी ना कभी प्यार की वजह से दुख पाया होता है तो वो जो इमोशन है क्योंकि अगर सारे गाने सारे के सारे गाने पार्टी गाने बनेंगे तो फिर ऐसे गाने कहाँ बनेंगे तो ये गानों में फ़र्क यह है इसी वजह से उसकी एल्बम आ रही है क्योंकि इसको सुनने वाले चाहने वाले एट्टी परसेंट ऑफ इंडिया है जो अभी भी बेवफाई वाले गाने कुछ गा रहे हैं क्या बात है यार क्या लिखा है क्या गाया है जो तो सुनते हैं तो वो कनेक्ट करते ही हैं इस चीज़ को तो ये जो गाने हैं ऑफ़कोर्स इनकी पाँच एल्बम से जो छठा एल्बम एकदम अलग है क्योंकि इसके कंपोजर अलग है अरेंजमेंट्स अलग हैं टाइम का भी फ़र्क है दैन्यू द एरा हैज़ चेंज तो इसलिए ये थोड़ा फ़र्क है